बीते रविवार को व्यवहार न्यायालय देवभोग ने राजीनामा योग्य मामलों के निराकरण के लिए कोर्ट परिसर में लोक अदालत लगाया, जिसमें 398 मामले निराकृत किए गए। लगे लोक अदालत में महिला संरक्षण को ध्यान रख घरेलू हिंसा मामलों में न्यायालय के मजिस्ट्रेट किरण पन्ना और लोक अदालत की अध्यक्षता कर रहे घनश्याम पात्र और प्रकाश अवस्थी ने खासी पहल कर निराकरण किया। इस लोक अदालत में वादी और प्रतिवादियों के अलावा सत्य नारायण बेहरा, लक्ष्मी नारायण अवस्थी, सुशील बेहरा, सत्यनारायण अग्रवाल सहित सभी अधिवक्ता और कोर्ट स्टाफ उपस्थित रहे। लोक अदालत के लिए कुल 1000 से अधिक राजीनामा योग्य मामलों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिसमें 32 नियमित दंडित प्रकरण, 45 मामले 36 ज अबकारी एक्ट के धारा 510, आईपीसी के 173 मामले, मोटर व्हीकल के 103 मामले, बैंक वसूली के 5 मामले, बिजली विभाग वसूली के 36 सहित कुल 398 मामलों का निराकरण हुआ। गरियाबंद से जयविलास शर्मा की रिपोर्ट, पर देखते रहिए सीजीविजन टीवी।